हाँ तो बच्चों, स्टीरियो आइसोमर पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 194 है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर एक इपॉक्साइड दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इपॉक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि थ्री मेंबर का रिंग है। पहली बात, एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि हर हमेशा इपॉक्साइड में एंटी अटैक ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो PPH3 है ना, वो बच्चों न्यूक्लियोफाइल बन करके इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो बच्चों ये वाला बोन खुल जाएगा। अब खुलेगा तो देखो क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। ये जो कार्बन है, नहीं कार्बन, ठीक है ना, इस कार्बन पर देखो तीन बोन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सोहर्स के रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ। इस प्रकार से जो अंदर वाला है ना डैश, जो अंदर वाला डैश है बच्चों, उसको मैं लेफ्ट में लिखता हूँ, ठीक है ना। जो अंदर वाला डैश है उसको लेफ्ट में, और वेज को मैं राइट में लिखता हूँ। मतलब ये मान के चलना है कि वेज राइट में जो है वो, राइट में जो है वो वेज पर है, लेफ्ट में जो है वो डैश पर है। क्लियर है। और बच्चों यहाँ पर ये ओ माइनस, इस प्रकार से। फिर उसके बाद बच्चों जब ये इसके ऊपर अटैक किया तो ये जो बॉन्ड जो दो नीचे थे, ये दोनों बॉन्ड ऊपर हो जाएंगे। यानी कि फिर से यहाँ पर एक हमें इस प्रकार से वाई बनाना होगा। PPH3 को हमें नीचे लगाना होगा बच्चों। जब कोई न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया हमने। अब बच्चों भाई देखो, जो चीज़ नीचे था वो चीज़ ऊपर ही तो हो गया ना भाई। जो बॉन्ड नीचे था वो बॉन्ड ऊपर हो गए, तो ऊपर हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो डैश वाला है वो तो डैश में ही रहेगा ना। मतलब मिथाइल देखो डैश पर है, और डैश में मैंने क्या बोला था, लेफ्ट वाला मानेंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चों मिथाइल यहाँ पर हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसको हम ऐसे करके मिला देंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर रोटेशन कर देना है। रोटेशन करके दोनों को एक जैसा बना लेना है। क्लियर है। ऐसा इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जब PPH3 का अटैक होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो वहाँ से बच्चों, ठीक है ना, POPH3 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, POPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, फॉस्फोरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये POPH3 का फॉर्मेशन होता है। तो हमें इस पी को ऊपर लेकर के जाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से रोटेशन कर लेते हैं। जैसे ही रोटेशन हमने किया तो बच्चों ये एच और ये मिथाइल हो गया, इसको भी हम ऊपर लेकर के गए बच्चों। तो यहाँ से जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा। देखो यहाँ से 180 से रोटेट हो रहा है ना बच्चों, तो सब कुछ 180 से बदल जाएगा। नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों ओ माइनस हो गया। फिर उसके बाद ये जो राइट में एच था ये वाला, वो लेफ्ट में आ गया। जो राइट में लेफ्ट में मिथाइल था वो राइट में आ गया। क्लियर है। इस तरह से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर अब हम इसको मिला देंगे। अब क्या होगा, PPH3 इलेक्ट्रोफाइल ओ माइनस न्यूक्लोफाइल इसके ऊपर अटैक हो जाएगा। जैसे ही अटैक होगा बच्चों तो फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, यहीं पर बना देता हूँ। यहाँ पर बच्चों ये जो ओ है और यहाँ पर जो PPH3 है, क्लियर है, तो बच्चों इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, ओ माइनस जब कोई निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूट्रल बन जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ से हमें POPH3 बनाना है, जो कि यहाँ पर देखो ऑलरेडी बनाया हुआ भी है बाय प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है ना। तो अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका सीधा सीधा तरीका होता है। विटिग रिएक्शन बहुत बार एक्सप्लेन किया है, उसी के मैकेनिज्म से सवाल पूछ लिया है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। CH डबल बॉन्ड O जब होता है ना बच्चों, और यहाँ पर मैं R ले लेता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर CH2, और फिर बच्चों यहाँ पर PPH3, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये इसके ऊपर अटैक करता है। जब इससे ही अटैक करता है तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो फाइनली क्या होगा। मतलब थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। CH2, फिर बच्चों PPH3, और ये इससे ऐसे जुड़ जाता है। अब क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि यहाँ से POPH3 को हटाना है। तो POPH3 को हटाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें
ये जो फास्फोरस का जो बॉन्ड है बच्चों, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, बोले तो इलेक्ट्रॉन इधर के शिफ्ट हो जाते हैं, और ये जो ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। जब ये दोनों यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पर आपने देखा था हमेशा RCH डबल बॉन्ड CH2, और फिर P डबल बॉन्ड O और PH3 का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी बच्चों हमें देखो इस वाले में एक बॉन्ड बनाना है, क्या करें बताइए, क्या करें। तो बच्चों इस बॉन्ड को हमें शिफ्ट कर देना है इधर। जैसे इधर शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो बच्चों इस वाले बॉन्ड को हमें शिफ्ट कर देना है इधर। आगे समझ में, जैसे ऐसा करूंगा तो फाइनली ये वाला बॉन्ड, ये वन और ये बॉन्ड, ये तो टूट ही गया ना बच्चों, और इस कार्बन कार्बन में क्या हो गया, कार्बन कार्बन में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन में बच्चों डबल बॉन्ड आ गया, आ गया। अब रही बात कि सिस है कि ट्रांस है, आप सोच के बताइए बच्चों। यहाँ पर देखो इस कार्बन पर जो मिथाइल है वो राइट में है, इस कार्बन पर भी जो मिथाइल है वो राइट में है, इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल तय हो गया कि दोनों कार्बन पर जो मिथाइल है वो एक ही तरफ है, वो एक ही तरफ है, और हाइड्रोजन भी बच्चों दोनों एक ही तरफ हैं। तो यहाँ से एक बात साबित हो गया कि यहाँ पर जो एल्कीन बनेगा वो सिस 2-ब्यूटीन बनेगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।